समाज में, तो बस हमारी पूरी टीम की एक इच्छा और एक ट्राई है कि हम लोग अच्छे से अपनी मूवी को कंप्लीट करें। मुकेश जी, तनिषा जी, निशान जी, महेंद्र जी, हम सब जने बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, अपनी मूवी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे करेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी से लिखी गई है, तो बस होप फॉर द बेस्ट एंड आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बात करें जी, कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टोरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ मेरे किरदार के बारे में अगर बात करी जाए तो पहली बार मैं कुछ ग्रे शेड करने जा रही हूँ एंड आई रियली लव इट, क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना था अपने रोल में। तो ग्रे शेड में ना एग्जैक्ट नेगेटिव है ना एग्जैक्ट पॉजिटिव है, बट हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे गलत दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा इंसान करेगा वैसा भरेगा भी। बस मैं वही करने वाली हूँ किसी ना किसी के साथ इस पिक्चर में, वो आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको मजा आएगा। क्या डिफरेंट होगा इस फिल्म में? इस फिल्म में डिफरेंट तो देखिए बना तो सभी रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि हम कितना समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। लाइक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं लड़कियों को, मैं यहाँ की औरतों को ये समझा पाऊँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ आप ही को उठानी है, आपके लिए कोई नहीं आएगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके घर के लोग हो, अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए कोई स्ट्रांग नहीं बनेगा। दैट्स द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द पब्लिक। बिल्कुल, मैं सिर्फ इस फिल्म के लिए ही नहीं और वैसे भी हमेशा एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अपनी आवाज खुद उठाना सीखिए। मैंने अपने लिए तैयारियां खुद करी हैं, मैं आगे भी यही चाहती हूं कि खुद गर्ल्स कॉलेज के प्रेसिडेंट रहने के बाद अपने पॉलिटिकल करियर के साथ साथ मैं आप सबको यही कहूंगी कि गर्ल्स और औरतें जितने भी यहाँ पर इस हिंदुस्तान में हैं, अपने लिए लड़ना खुद सीखें, क्योंकि आपके लिए यहाँ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको अपनी आवाज अपने हाथ खुद उठाने पड़ेंगे, लोगों के लिए खुद सुरक्षित रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए। राइटर डायरेक्टर मुकेश जी है, मुकेश जी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर के आए, काफी समय से मुकेश जी हमारे परिचित है, स्टोरी पसंद आई तो आगे बढ़े उसके ऊपर काम करने के लिए। सारे टीम मेंबर्स अच्छे मिले, पूरे के पूरे मार्केट के पूरी टीम है, कोई भी ऐसा नॉन प्रोफेशनल है नहीं। इससे पहले भी हमने एक दो मूवीज की है जो एकदम फ्लोर पे है रिलीजिंग के, और देखिए मिस्टेक की बात करें तो किस प्रकार से ये सब्जेक्ट और ये कहानी और इस फिल्म पे फोकस किया आपने? देखिए हर फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं समाज से प्रेरित होती है, समाज में घटित घटनाओं से प्रेरित होती है, और ऐसा आम जिंदगी में हमें देखने को मिलता है, तो घर परिवार में पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ तो उसी से प्रेरित है, पर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये फिल्म नहीं बन रही है। तो आप फिल्म बना रहे हैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल नहीं, हमसे मिस्टेक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहे, और जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस कैसे लेंगे आप? क्या घर में बैठ बैठे आपने अपने लाइफ में कोई मिस्टेक किया जो आपको याद है? रोज रोज करता है आदमी मिस्टेक, डेली मिस्टेक। क्या शेयर करना चाहिए? कुछ चीजें शेयर नहीं की जाती। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। रोन रोन, हाँ तनिषा, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुश हो रही है आज इस फिल्म को लेके और मिस्टेक को लेके, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेके, फिल्म को लेके, क्या कहना चाहेंगे? जी तनिषा, पहली बात तो आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, वॉर्म गुड इवनिंग, और सबको थैंक्स आप लोग आए, बिकॉज हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले बट हमारी जो पब्लिसिटी बोलो या फिर हमारी जो न्यूज़ बोलो आपके थ्रू ही लोगों तक जाती है, तो पहले दिल से शुक्रिया दिया आप लोग का। और दूसरी बात ये है कि इस खुशी तो डेफिनेटली बहुत होती है, बिकॉज हर वो आर्टिस्ट स्ट्रगल हम भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि टॉप पे अब तक कोई नहीं बोल, इवन अगर आप ऐश्वर्या के लिए भी सोचोगे तो स्टिल शी इज स्ट्रगलिंग। तो स्ट्रगल तो इंसान के लाइफ में कभी नहीं खत्म होता,
तो इतना स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद हमें कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कोई काम मिलता है, तो उसकी तो खुशी आई कान से कि मतलब ये ना जैसे भगवान ने कोई आशीर्वाद दे दिया, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज ये प्रोजेक्ट, एक और मेरा प्रोजेक्ट मार्केट में स्टार्ट हो रहा है और इसमें मेरा पॉजिटिव करेक्टर है और मैं बस थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कैसे अपने पॉजिटिव करेक्टर को और कितना पॉजिटिव बनाऊँ, तो आई एम डूइंग दैट। अनिशा कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके, इस किरदार को लेके, क्या कुछ तैयारी चल रही है जी? बिकॉज इसमें क्या है, क्योंकि टोटल फीमेल के ऊपर है और जब फीमेल के ऊपर होती है तो काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है। बिकॉज एक बता दो, टिपिकल हीरो हीरोइन की फिल्म होती है तो फिर चलो रोमांटिक है तो थोड़ा सा हीरो ने मेहनत कर ली, थोड़ा सा हमने मेहनत कर ली, बट इसमें टोटली हमें मेहनत करनी है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। डेफिनेटली मैं क्यों झूठ बोलूँ कि आई एम सो स्मार्ट, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि शायद जो कैरेक्टर जैसे मुकेश जी ने कहा वैसे मैं उससे ज़्यादा बेस्ट कर सकूँ, तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरी तरह भारतीय नारी का किरदार निभाने वाली है आप? यस, टिपिकल इंडियन, टिपिकल इंडियन प्रॉपर मंगलसूत्र साड़ी ब्लाउज सिंदूर उंदूर के साथ। तनिषा चलते चलते आखिरी सवाल, ये आपका फेवरेट ड्रेस है, बहुत सारे क्या कुछ ऐसा किस ड्रेस के पीछे कोई राज है क्या ये ड्रेस? मैं साड़ी से थोड़ा बोर होती हूँ, हालांकि सब कहते हैं कि साड़ी वाले बोर होती है क्योंकि ये क्या होता है ना, बड़े कंफर्टेबल होता है यार, निकालो पहनो चल दो, साड़ी में ब्लाउज पेटीकोट प्लेट ये और ये पूरे फिल्म का ये कुछ 32-35 डेज का शेड्यूल है, 35 डेज मुझे साड़ी में रहना, तो मैं वही सोच रही बस मैं गिरूँ ना। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मिस्टेक को लेकर, कितनी कितनी खुशी हो रही है आपको और कितना कितना कुछ तैयारी? सर देखिए, क्या कहना चाहेंगे ये मिस्टेक को लेकर जी? सर आपने तो एक सुना ही होगा, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो माँ को कितनी खुशी होती है, उसी तरह मुझे भी एज ए डायरेक्टर बहुत खुशी हो रही है कि मेरी एक और मूवी फ्लोर पे जा रही है और बस यही कहूँगा इंडस्ट्री आज जिस हिसाब से जिस तरीके से चल रही है, अगर अच्छे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो पब्लिक इनको पसंद करेगी, नहीं अच्छा सब्जेक्ट लेके आएंगे तो पब्लिक रिजेक्ट कर देगी। और बेसिकली मेरी इस फिल्म के दो प्रोड्यूसर्स हैं, एक महेंद्र जी हैं और एक रफीक भाई जी हैं, तो जो एक्चुअली अभी नमाज पढ़ने गए हुए थे और रमजान का महीना चल रहा है आप सभी को पता है, तो मैं उनसे आप सभी को मिलाना चाहूँगा, ये रफीक जी हैं। अगर मिस्टेक की बात करें, कहानी की बात करें, और बड़ी जवाबदारी एज ए डायरेक्टर आपके कंधे पर जी, क्या कहना चाहेंगे और कैसे दर्शकों को कुछ संदेश या एक अलग कुछ संदेश या कुछ अलग? नहीं सर, एक्चुअली फिल्म की कहानी जो है ना एक नया मैसेज है, आज तक फिल्में बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या टॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में आई हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट फिल्में आई हैं, ये जिस तरह का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा हटके है, हमने इसमें मुद्दा बनाया है शक को, एक शक जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को किस तरह से बर्बाद करता है, हमने इस फिल्म में वही चीज़ दिखाई है, बट शक के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हैं, बट इसमें हमने एक अलग चीज़ दिखाई है कि शक भी एक तरह की गलती है, एक तरह की मिस्टेक है, जो अगर कोई इंसान चाहे औरत हो चाहे आदमी हो अगर यह गलती करता है तो उसे इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और किस तरह से भुगतना पड़ता है, यह हम इस फिल्म से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं ताकि कोई भी दर्शक कोई भी पब्लिक ऐसा कोई शक न करे जिससे उसके सामने इस तरह का कोई केस खड़ा हो। चलते चलते आखिरी सवाल, अगर कलाकारों की बात करें तो इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं तनिषा और ये सब के अलावा? और देखिए इसमें मार्केट के सपोर्टिंग कास्ट में हम लोग मुकेश तिवारी जी से बात चल रही है, एहसान खान जी हैं, आनंद जोग जी हैं और जावेद अदर तो है ही हमारी फिल्म में, और आइटम सॉन्ग में हम लोग मार्केट की कोई नामचीन लड़की बुलाने वाले हैं, और हमारे रफीक भाई जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने भी काफ़ी फिल्में एज एन एक्टर की हुई हैं, रफीक भाई भी इस फिल्म में एक अहम करेक्टर नजर आएंगे, महेंद्र जी भी करेक्टर नजर आएंगे। कब तक फ्लोर में जाने वाले हैं और कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म? सर हम लोग जुलाई 10 से शुरू कर रहे हैं और 25 डेज का शेड्यूल है और सबनिंग पोस्ट प्रोडक्शन में आपको पता ही है 2.5-3 महीने तो जाते ही जाते हैं, तो इस साल के एंड तक फिल्म थिएटर में होगी जिसे पब्लिक देख सकती है। क्या ट्विस्ट है मिस्टेक का? सर इस फिल्म का एक ट्विस्ट है, वही तो फिल्म की जान है, अगर वही ट्विस्ट खोल दिया तो फिर पब्लिक को मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक को पहले ही पता चल जाएगा इसमें क्या है, तो फिर ऑडियंस हम भी नहीं जाते फिल्म देखने अगर हमें पहले पता चल जाए तो, वो अभी तो हम नहीं बताना चाहेंगे, बट जब पब्लिक फर्स्ट शो जब देखेगी तो बाहर निकल के बोलेगी कि रियली फिल्म तो ऐसी हो। मेरे हम दोनों का काफ़ी दिनों से चल रहा था मुकेश भाई का मेरा फिल्म साथ करने का और आप ऊपर वाले ने मौका ला ही लिया है, और वैसे मैंने पहले 4-5 फिल्में की है, दो प्रोड्यूसर बोल के की है, एज एक्टर बोल के 4-5 फिल्में की है, जो जिनमें से अभी दो मूवी जो है मेरी रिलीज पे है,
अरे मुकेश जी के साथ ही जो करने जा रहा हूँ मिस्टेक, एक इसका एक इसमें मेरा निगेटिव रोल है, मेन लीड रोल। कितने एक्साइटेड है इस फिल्म से लेकर, फिल्म को लेकर? अभी तो मुकेश जी बता सकते हैं हमको कितना ऊपर लेके जाएंगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मुझे सर ने अप्रोच किया था, रोल है उसके बारे में बताया था, सारी डिटेल मुझे बताई गई जो मेन विलन है मैं उसके बेटे का किरदार कर रहा हूँ, और ज़्यादा डिटेल मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, जल्दी शूटिंग स्टार्ट होने वाली, तो क्या प्रिपरेशन की है अपने किरदार को लेकर? ये क्लासेस चल रही हैं और प्रिपरेशन थोड़ी बहुत चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, पर उससे ज़्यादा क्या है। मैंने कहा जैसे मैंने स्क्रिप्ट पूरी डिटेल में पढ़ी नहीं तो मुझे मूवी का ज्यादा आइडिया नहीं। मुकेश अग्रवाल जी एंड पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ, फिल्म बहुत अच्छी बनी, इसकी बधाई देती हूँ। थैंक यू। ये फिल्म है पेशे के, फिल्म का नाम मिस्टेक है, बट मिस्टेक जो है वो बिल्कुल मैंने नहीं की है इस फिल्म में गा के। मैंने अभी अभी गाना रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, नीचे ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही थी और बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया महेश राकेश, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुकेश अग्रवाल जी की फिल्म है तो मुकेश अग्रवाल जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, काफ़ी इनकी जितनी फिल्में अभी रिलीज़ होने वाली है, काफ़ी 3-4 फिल्में उनमें ऑलरेडी गा चुका हूँ, ये एक और फिल्म है उनकी मिस्टेक जिसमें गाया है, और बहुत ही सुरीला गाना है, बहुत अच्छा लिखा भी है। मुस्कुराने लगा जो तुम साथ हो, गुनगुनाने लगा जो तुम साथ हो, मुस्कुराने लगा जो तुम साथ हो, गुनगुनाने लगा जो तुम साथ हो। चित्र का जैसे कि मैंने बोला कि एक तरह का ग्रे कैरेक्टर है जो मैं फर्स्ट टाइम निभाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी तक मैंने 4 फिल्में कर ली है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स कैरेक्टर है, तो मेरे लिए चैलेंजिंग रोल होगा ये। बाकी अपने मुकेश भाई हैं जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, जो डोरबेल नाम से फिल्म है बहुत जल्द रिलीज हो रही है, वो आई थिंक 1.5 महीने लगेंगे उसको रिलीज होने में। नहीं नहीं, शूटिंग अभी स्टार्ट होनी है, अभी स्टार्ट हुई नहीं। किस फिल्म की? जो डोरबेल की? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी टाइम है।